राम राम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने शराब के ठेके खोलने का आदेश दिया था। ठेके खुलते ही पब्लिक इस कदर टूट के पड़ी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गई और वो ये भी भूल गई कि वो 40 दिनों से एक महामारी के कारण अपने घरों में कैद थी। यार इतने बेवकूफ और इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं लोग। अब भारी भीड़ को देखते हुए ठेके बंद करने पड़े। यार हमें देख लो, हम तो नहीं गए। मानुष भाई ठेके खुल गए, ठेके। अरे 15 बोतल पकड़ लिए, 15 पकड़ लियो। मोदी जी ने बाहर जाने के लिए मना किया है ना, अभी तो बहुत ज्ञान बैठ रहे थे। बाहर नहीं जाने। एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ले आए तुम फिर दारू। यार तुझे लग रहा होगा कि मैं अपने मजे के लिए दारू लाया हूँ। नो यार, वो मिलिट्री वाले जो दिन रात बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, उनकी तनख्वाह कैसे मिलती। और यार ये बेचारे पुलिस वाले जो दिन रात इतनी बड़ी महामारी के चलते हुए भी हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनकी सैलरी कैसे मिलती। सोचा कभी? बस उनकी तनख्वाह का ख्याल आया तो मैं भी 2 बोतल ले आया। पर एक बात समझ में नहीं आई, जब मैंने उनकी भलाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया तो उन्होंने डंडा क्यों उठाया। कसम बहुत तेज लग रही है। लोग कहते हैं मैं शराब, सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। ब्यूटी पार्लर खुल गए। A few moments later. कैसा लगा मेरा मजाक? क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। हर ना मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा।